हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24। अच्छा तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉन वर्बल पोर्शन का सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो हम टाइप वन कर रहे थे, हमने कुछ एग्जांपल्स के मदद से समझ लिया था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आगे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, है ना, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फिगर, ठीक है, ये क्वेश्चन फिगर दे के रखा है, आंसर फिगर। आंसर फिगर
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सिमिलर फिगर ढूंढना है, देखो है ना, इस फिगर को हमने कई पार्ट में, सर्किल को कई पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांटा है? 1, 2, 3, 4, 6, 8। अब क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज क्या है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें, एंटी क्लॉकवाइज देखें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा जो सर्किल, चौथा जो पार्ट है, चौथा जो हिस्सा है वो डार्क है। ठीक है, तो देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 गलत, ये तो बिल्कुल गलत, दो हिस्से का बना, ये भी बिल्कुल गलत है, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि करेक्ट फिगर इसी में मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन क्वेश्चन फिगर ठीक है, ठीक है, आंसर फिगर। ठीक है, तो
ठीक है। डी, ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब सिमिलर फिगर हमें इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखो इसको भी आठ आठ, इसमें कितनी लाइनें हैं? एक, दो, तीन, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ लाइनें हैं। आठ लाइनों में देखो नीचे वाली लाइन पे है ना तीर बना हुआ, और उसके जो राइट साइड पे लाइन है उसमें से एक सर्किल बना हुआ, तो ऐसा ही ढूंढना है। देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये नीचे नीचे वाली लाइन नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखो है ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, है ना, पांच पांचवी लाइन पे है, और यहाँ इसके राइट साइड पे एक है ना सर्किल बना हुआ है, डॉट बना हुआ है, तो ये वाला जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ है इन सवालों में, बस थोड़ा नजरों का फेर है ना, नजरों से देखना है, और आपको है ना ध्यान से देखना है, और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन फिगर। ठीक है, चलो अब आंसर फिगर की तरफ चलते हैं।
ठीक है, चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो है ना, ट्राइंगल बना हुआ है, दो ट्राइंगल बने हुए, एक सीधा ट्राइंगल है, एक उल्टा ट्राइंगल है। तो सीधा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल, ये वाला ऑप्शन रेट से बाहर हो जाएगा, बाकी सब में सीधा ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल है। अब देखो इसके इस कोने पे एक क्रॉस बना हुआ है, तो देखो इसके इस कोने पे, तो ये भी रेस में बना हुआ है, ये भी रेस में बना हुआ है, ये भी रेस में बना हुआ है ना। इसके इस साइड पे है ना डार्क, इसको डार्क कर दिया गया है, शेडो कर दिया गया है, में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो
ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल। अब इसमें देखो कौन सा वाला फिगर है ना। तो देखो सर्किल, सर्किल सब में है, सर्किल ओके ठीक है। बीच में सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड, ठीक है, तो ये वाला रेस से बाहर हो जाएगा, ये है अभी, ठीक है, बीच से डिवाइड है सर्किल, इसमें भी ये भी हो जाएगा, बीच से डिवाइड है ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो ट्रायंगल बने हुए हैं, तो देखो इसमें दो ट्रायंगल है ना, इसके डायमीटर पे ट्रायंगल, ये तीसरे पैरामीटर पे भी हिट हो जाएगा, इस पे ट्रायंगल नहीं बने हुए हैं, इस पे भी दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है चलो। उसके बाद दो लाइनें हैं, है ना, जो कट कर रही हैं, है ना, तो ये भी ठीक है, ठीक है, और दो लाइनें इसमें भी है, बट इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये तो इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन ए जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट, ठीक है चलो।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो देखो, एक पाइन एप्पल टाइप का बना हुआ है, वाटरमेलन टाइप का बना हुआ है ना, जिसमें 1 2 3 4 लाइनें हैं, ठीक है, और ऊपर चार बने हुए हैं, तो इसमें तो तीन है, खत्म, चार, ठीक है, 1 2 3, ये वाला ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर बन के आएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल होते हैं बस इसमें। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर्स, आंटी काम कर रहा हूं। ठीक है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल रहा यहाँ पे, ठीक ट्रायंगल हो गया, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो देखो इसमें कौन सा है, इसमें तो रेक्टेंगल है, कोई मतलब ही नहीं, इसमें सर्किल है, ठीक है, सर्किल है तो सीधा ट्रायंगल भी है, और ट्रायंगल को का जो बेस है उसको डायमीटर बना के एक हाफ सर्किल भी खींचा गया, तो ऑप्शन बी जो होगा वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस तरह के होते हैं क्वेश्चंस इसमें, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे तो थोड़े बहुत क्वेश्चन टाइप वन से रिलेटेड करेंगे, फिर टाइप टू की तरफ चलेंगे, टाइप थ्री की तरफ, टाइप फोर की तरफ, क्योंकि टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर थोड़ा छोटे पोर्शन है, तो उनको हम जल्दी कवर कर लेंगे 2 3 लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब
तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।